जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज HPPSC के द्वारा 11 अप्रैल 2024 को HPPGT फिजिक्स का एग्ज़ाम करवाया गया, जिसमें आप सभी जानते हैं अब हिमाचल में लगातार दो पेपर हर किसी एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं, पेपर वन पेपर टू। अभी कुछ टाइम पहले ही पेपर वन कंप्लीट हुआ है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं, उसकी आंसर की को जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहें क्लास के साथ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी के सेक्शन का ये क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कृत प्रत्यय वे होते हैं, तो कृत प्रत्यय जो होते हैं उनमें क्या चीज होती है, ये आपसे पूछा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वो जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो अध्येता ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ये विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया, ये जो पर है इसके ऊपर जो लाइन लगाई गई है ये किस कारक का परसर्ग है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिकरण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है, ये जो नेताजी है किस संज्ञा का भेद है, क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन फाइव, इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, इसका जो है आपको सर्वनाम का भेद बताना है, कुछ जो है वो किस सर्वनाम का भेद है, तो इसका सही उत्तर रहेगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि कुछ हमें उसकी निश्चित वैल्यू नहीं पता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन सिक्स है, पंचवटी का विग्रह क्या होगा, सामासिक विग्रह क्या होगा पंचवटी का, तो इसका सही उत्तर है पांच बटों का समूह, पांच बटों का समूह जो है वो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन सेवंथ है, यहाँ पे महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया, महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया, इस वाक्य में उद्देश्य है, उद्देश्य आपको बताना है, तो सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मंत्र मुग्ध हो गया, ये क्वेश्चन सेवंथ का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्थ रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, मछली का पर्यायवाची नहीं है ये हमें बताना है, क्वेश्चन एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मीनाक्षी का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बच्चा रो पड़ा। क्वेश्चन नंबर टेंथ है, रूपक अलंकार का उदाहरण जो है वो बताना है, रूपक अलंकार का उदाहरण बताना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी रहेगा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिन मन सरोज बढ़ जाई। तो इजी क्वेश्चन हिंदी के भी यहाँ पे पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल के थे, और बाकी जीके जो है वो थोड़ा सा करंट लेवल का भी पूछा गया था, यूनिक लेवल का जीके जो है वो एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इलेवंथ क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश के सेक्शन का, जल्दी से इसकी आंसर की को आप चेक कीजिए, इसमें आपको राइट ऑप्शन फिल करना था, ही कैन गो वेयर नो वन हैज गोन बिफोर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर टोल्ड मी पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना था, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद अवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ समथिंग। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको बताना था इसको, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राजू टेल सुनीता दैट ही वॉज प्लानिंग टू वर्क विद हर ऑन दैट प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूरज आस्क्ड मी आई हैड वॉच द लेटेस्ट मूवी, डायरेक्ट फॉर्म में आपको चेंज करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, out of these pen which do you want to buy, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, द मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग द विनर्स ऑफ दिस ईयर, पैसिव वॉइस आपको बताना है, पैसिव वॉइस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th है, इंग्लिश का है, आपको रीअरेंज करना था, इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, TRPQS इस फॉर्म में ये असेंबल हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश के सेक्शन का, सीरीज सी को हम डिस्कस कर रहे हैं,
20 क्वेश्चन है ये इस पेपर का, और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर रहेगा वह है ऑप्शन नंबर बी। तो इंग्लिश का सेक्शन हमने कवर कर दिया, जल्दी से जीके के सेक्शन को कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के थे और कुछ जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के, कुछ यूनिक लेवल के, डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, हिमाचल जीके का क्वेश्चन था, कांगड़ा और चंबा जिलों को मिलाता है तो वो है बारू दर्रा। बारू दर्रे की जो ऊंचाई है वो है 3850 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड क्लासेस में आपको कराया गया है। अगला है, ये इजी क्वेश्चन था, ये आपको कराया गया था, भरमौर का जो अंतिम गांव है वो है कुगती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, भरमौर। चंबा से काफी क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको करेक्ट यहाँ पे मैचिंग करनी थी, तो पेपर वन में यहाँ पे स्टेटमेंट वाले ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, करेक्ट मैचिंग आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर एज कम्पेयर टू हिंदी PGT का जो पेपर वन था उससे मैं थोड़ा अच्छे लेवल का इसको मानता हूँ। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो करेक्ट यहाँ पे बताई गई है, सिल्ली जो है वो सिरमौर सॉरी सोलन में है, तो ये तो राइट गलत हो गया। टालरा जो है वो शिमला में पड़ती है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 24th वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो GDSP में सही राशि थी उसका प्रतिशत आपको बताना, तो 10.40% इसका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 25, 2021-22 में किस जिले में खरीफ की फसल के लिए खाद जो है वो सबसे अधिक उपयोग की जाती है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज्यादा खाद यूज की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में हिमाचल में जमीन रखने के सही औसत आकार की पहचान कीजिए, 0.95 हेक्टेयर इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विधवा को पुनर्विवाह के लिए हिमाचल में पुनर्वास के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की के ऊपर भी डिपेंड करता है, वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि अभी हाल ही में सुक्खू सरकार ने राशि को बढ़ाकर 65,000 तक पहुंचा दी। अगर पहले के अकॉर्डिंग देखें तो फिर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन करंट के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन ए 65,000 ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना में किन वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, तो जो आर्टिशियन है, क्राफ्टमैन है, जो कुछ काम जो है वो अपनी कुशलता से एक यूनिक तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में शहरी महिलाओं की संख्या सबसे कम थी, क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी हमीरपुर जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, 2011 की जनसंख्या से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कौशल विकास निगम, देखिए कौशल से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए यहाँ पे, तो नया करंट अफेयर अपडेटेड फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, तो 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जो है उसका इंडेक्स है, देखिए 22 में तो कांगड़ा फर्स्ट पोजिशन पे था, लेकिन 21 में यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रख सकते हैं, नेक्स्ट में इसमें आपको इसको अपडेट कर दूंगा, आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, हिमाचल का कौन सा मंदिर जो है वो सही यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो पराशर मंदिर मंडी में है, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कब बना था, इजी क्वेश्चन, 1960 में ये बना था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, चंबा में जो राजा भूरी सिंह के समय जो पावर हाउस था तो किस नदी पर बनाया गया था ये बताना है, तो ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे रावी नदी को टिक किया क्योंकि चंबा में बहती है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन ए साल नाला जो है वहां पे एक उसके ऊपर 1908 के अराउंड राजा भूरी सिंह ने जो है वो ये बनाया था, तो ये इसका ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, घानवी हाइड्रल प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है, तो ये शिमला में पड़ता है, 35 का ऑप्शन सी जो है शिमला, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जो GDP की विकास दर है 2023-24 के लिए वो कितनी यहाँ पे बताई है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 7.3%। 37th क्वेश्चन है, कौन सा धारा या आर्टिकल है जो मंत्रिपरिषद की संख्या राज्य विधानमंडल से 15% अधिक नहीं होनी चाहिए, 164 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से 27 महिलाओं ने जीत हासिल की थी,
ये इलेक्ट हुई थी और जीती थी 27। इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में राइटर पूछा गया था कि ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 जो है वो किसको दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 है, गुलजार साहब को दिया गया है, उसके साथ साथ राम भद्राचार्य जी को ये दिया गया है, जो कि संस्कृत वेदों के काफी ज्ञानी है, लेकिन उनका जन्म इन ऑप्शंस में तो कहीं पे मैच नहीं होता, इसलिए आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए गलत यहाँ पे डाला गया है। तो इसका आपको एक एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स जो है वो मिलना चाहिए, रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड 2023 स्क्वैश में मिला है हरिंदर पाल सिंह संधू को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स में भारत का कौन सा राज्य टॉप 10 में रहा है, तो टॉप 10 में जो है वो पुणे रहा है इन चार ऑप्शंस में। वैसे इंदौर सबसे पहली पोजीशन पे है और पुणे जो है वो टॉप 10 की सूची में काउंट किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसको इंटरनेट गूगल से देख सकते हैं, इसमें आप सर्च कर सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023, उसकी आपको कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो टॉप 10 में पुणे जो है वो आता है। नेक्स्ट, सिंधु नदी की सहायक नदी जो है वो है सतलुज, ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन है, क्लासेस में कराया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, ये काफी इजी था, ये आपकी सेंस के ऊपर बेसिकली काम करता है। तो 26वां राज्य नहीं है, 27वां राज्य है, उत्तर पूर्व में हिमाचल नहीं आता है, उत्तर में नेपाल नहीं आता है, पूर्व में आता है नेपाल, और उत्तर में जो है वो तिब्बत आता है। तो गोचर मेला जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 44th क्वेश्चन, इसमें देखिए कहीं ना कहीं पे मेरे को हल्का सा इसमें डाउट, ऑप्शन सी एंड डी दोनों के ऊपर। न्यू दिल्ली में साइन हुए थे और इसने ईस्टर्न रिवर्स को कवर किया था, और यहाँ पे इंडस के साथ चिनाब, सतलुज, अनदर नदियों को भी काउंट किया गया था, तो ओनली वाला तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे 19 सितंबर को साइन हुए, तो ऑप्शन ए भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी या डी में से कोई एक आंसर यहाँ पे रहेगा, तो इसको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है वो हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 यहाँ पे रहेगा, इंडोनेशिया जो है वो कौन सा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो इंडोनेशिया का ये नीदरलैंड से अलग होके बना था, ऑप्शन बी सही उत्तर है। जापान ओपन 2023 में जो विजेता देश रहा है वो डेनमार्क, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सा अपने देश के साथ सुमिलित नहीं होता है, ऑप्शन इसका जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा देश उनके साथ मैच नहीं करता है, तो जो मोहम्मद बिन जायद हैं वो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, और फिलिपीन यूसी जो है वो मोजाफदी क्योंकि जो है वो प्रधानमंत्री नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन है, जनरल साइंस का एक क्वेश्चन पूछा गया, पेंट में यूज किया जाता है, ग्लिप्टिल का यूज किया जाता है, कॉमन सा क्वेश्चन था। यूएनओ फ्लैग को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है 1947 में इसको अडॉप्ट किया गया। एंड नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, द ग्रेट मेस्क्यू ऑफ किल्वा, ये जो है वो हमारा पड़ता है तंजानिया में, पहले भी ये टैट के एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हमारे आज के पीजीटी फिजिक्स के पेपर वन के हमारी आंसर की आपके सामने मैंने शेयर कर दी है। आई होप आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सही हो। पेपर एज कम्पेयर टू HP PSC PGT हिंदी के एग्जाम से मेरे को थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर लगा, थोड़ा सा उससे इजी लेवल का पेपर लगा, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। आई होप आपका पेपर काफी अच्छा गया हो। जल्दी ही नेक्स्ट पेपर 2 के साथ भी मैं आपके साथ यहाँ पे हाजिर हूंगा, तब तक के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए कितने आपके मार्क्स जो हैं वो सही हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।